हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों एवं संतों को विशेष स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने ही इस धरती पर धर्म, समाज, नगर, ज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि के ज्ञान का प्रचार किया था। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों को गुरु की पदवी प्राप्त है, क्योंकि वे अपने शिष्यों का मार्गदर्शन कर उनके जीवन का उद्धार करते हैं। और ऋषियों में भी सप्तऋषि यानी उन 7 ऋषियों को विशेष स्थान प्राप्त है, जिनका उल्लेख वेदों एवं अन्य हिंदू ग्रंथों में अनेक बार हुआ है। इन्हीं 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष में ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी आमतौर पर हरतालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद मनाई जाती है। आइए जानते हैं इस वर्ष कब रखा जाएगा ऋषि पंचमी का व्रत तथा क्या है इसका महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष ऋषि पंचमी 20 सितंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि प्रारंभ 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर, पंचमी तिथि समाप्त 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर। ऋषि पंचमी पूजा मुहूर्त प्रातः 11:01 से दोपहर 1:28 तक, अवधि 2 घंटे 27 मिनट। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत सप्तऋषियों को समर्पित है, जो महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी स्त्री के रजस्वला होने पर रसोई में जाना, खाना बनाना, पानी भरना तथा धार्मिक कार्य में शामिल होना और इनसे संबंधित वस्तुओं को छूना वर्जित माना जाता है। यदि भूलवश इस अवस्था में इसका उल्लंघन होता है तो इससे रजस्वला दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में ऋषि पंचमी के व्रत द्वारा इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। इसी कारण ऋषि पंचमी के दिन महिलाओं द्वारा सप्तऋषियों को समर्पित व्रत करने का विधान माना गया है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी के दिन यदि गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। ऋषि पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान नदी से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद व्रत का संकल्प लें, उसके बाद घर और मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। इसके पश्चात एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस चौकी पर सप्तऋषियों की प्रतिमा स्थापित करें। अब सप्तऋषियों को फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अंत में सप्तऋषियों की आरती कर पूजा सम्पन्न करें, उसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरित करें। इस दिन बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऋषि पंचमी का व्रत सचमुच एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भक्ति का अवसर तो है ही, लेकिन साथ ही ये अवसर है जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना का। साथ ही देवी देवताओं के समान सप्तऋषियों का आशीर्वाद पाकर भक्त धन्य हो जाते हैं।